आज क्लास एट की एक्सरसाइज फाइव एफ का पार्ट नंबर टू है। जैसे कि हम सवाल नंबर दूसरे का गुणनखंड करा रहे थे, कल हमने पहले नंबर से और आठवें नंबर तक का गुणनखंड किया था, आज नौवें नंबर से लेकर के और सत्रहवें नंबर तक का गुणनखंड करेंगे, उसके आगे भी करेंगे। तो यहाँ पर नौवां नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स माइनस पाँच। तो यहाँ पर जैसा कि आपका नॉर्मल नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स माइनस पाँच, गुणा करने पर पाँच आ जाए, जोड़ने पर चार आ जाए, इस प्रकार की जो संख्या। तो पाँच एकम पाँच, पाँच एकम पाँच, और पाँच में से एक जाएगा तो चार बचेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस की पाँच है प्लस की है, माइनस के पाँच में एक लगा देंगे तो माइनस के चार बचेंगे, और माइनस प्लस माइनस पाँच एकम पाँच हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले वाले दो दो के जोड़े बना लेंगे, इस पहले वाले में एक्स कॉमन मिल रहा है तो एक्स माइनस पाँच, और इस वाले में एक कॉमन मिल रहा है तो एक्स माइनस पाँच। तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस पाँच आ जाएगा और एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस एक। अब इसका मतलब यही है कि इन दोनों पदों में हमें एक्स माइनस पाँच कॉमन मिल गया, तो एक्स माइनस पाँच कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा एक्स और यहाँ पर बचा प्लस का ए। इसके बाद सवाल नंबर आपका दसवां है, क्योंकि ये उल्टा ही किया है, ये नौवां नंबर था ये दसवां नंबर है। एम स्क्वायर प्लस सोलह एम प्लस तिरसठ, गुणा करने पर तिरसठ आ जाए, जोड़ने पर सोलह आ जाए, तो नौ सात तिरसठ और नौ और सात कितने होते हैं सोलह। तो एम स्क्वायर प्लस नौ एम प्लस ये सात एम प्लस तिरसठ, जिसमें से एम कॉमन ले लिया तो एम प्लस नौ, और प्लस के सात कॉमन ले लिया तो एम प्लस नौ। यहाँ पर एम प्लस नौ और एम प्लस सात और सिंपल से है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि गुणा करने पर लास्ट वाली संख्या होती है, जोड़ने पर बीच वाली संख्या है, इसके चिन्हों को ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर है गुणा करने पर सोलह आ जाए, जोड़ने पर माइनस के दस आ जाए, तो आठ दूनी सोलह और आठ और दो कितने हो जाएंगे दस, क्योंकि माइनस माइनस के आठ, माइनस के आठ माइनस के दो, तो माइनस के दस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आठ दूनी सोलह हो जाएगा। तो पी स्क्वायर माइनस आर पी माइनस के दो पी प्लस के सोलह, पी कॉमन ले लिया तो पी माइनस आर, माइनस के दो कॉमन ले लिया तो पी माइनस आर, तो p माइनस आर और p माइनस दो। इसके बाद सवाल नंबर बारहवां है एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस चौबीस, गुणा करने पर चौबीस आ जाए, जोड़ने पर दो आ जाए माइनस के, तो छः चौको चौबीस और छः में से चार चले जाएंगे तो दो बचेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के छः एक्स प्लस के चार एक्स माइनस के चौबीस, इसमें एक्स कॉमन ले लिया एक्स माइनस छः प्लस की चार कॉमन ले लिया एक्स माइनस छः, हो जाएंगे एक्स माइनस छः और एक्स प्लस चार। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर तेरहवा है डी स्क्वायर माइनस चार डी माइनस पैंतालीस, गुणा करने पर पैंतालीस आ जाए, जोड़ने पर चार आ जाए, तो नौ बना पैंतालीस, नौ में से पाँच जाएंगे तो चार बचेंगे। तो डी स्क्वायर माइनस नौ डी प्लस के पाँच डी माइनस के पैंतालीस, तो इसमें डी कॉमन ले लेंगे तो डी माइनस नौ, प्लस के पाँच कॉमन ले लेंगे तो डी माइनस नौ, यहाँ पर आ जाएगा डी माइनस नौ और डी प्लस पाँच। इसके बाद अगला सवाल है चौथा, वाई स्क्वायर प्लस दो वाई माइनस के अड़तालीस, गुणा करने पर अड़तालीस आ जाए, जोड़ने पर दो आ जाए, तो आठ छः अड़तालीस, आठ में से छः जाएंगे दो बचेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस आठ वाई माइनस छः वाई माइनस के अड़तालीस, वाई कॉमन ले लिया तो वाई प्लस आठ, माइनस के छः कॉमन ले लिया तो वाई प्लस आठ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस, छः अड़तालीस आठ बार भाग जाएगा, तो वाई प्लस आठ और वाई माइनस छः। इसके बाद है एन स्क्वायर माइनस थ्री एन माइनस चालीस, गुणा करने पर चालीस आ जाए, जोड़ने पर तीन आ जाए, तो आठ पर चालीस, आठ में से पाँच जाएंगे तीन, तो एन स्क्वायर माइनस के आठ है प्लस के पाँच है, देखिए आठ में से पाँच चलेगा माइनस के तीन बचे, प्लस माइनस माइनस आठ पर चालीस, इसमें से एन कॉमन ले लिया तो एन माइनस
यहाँ पर n माइनस 8 और n प्लस 5। इसके बाद आपका सवाल नंबर 16 है, p स्क्वायर माइनस 11 p प्लस के 24 गुणा करने पर 24 आ जाए, जोड़ने पर 11 आ जाए, तो 8 तिरका 24 और 8 तिरका 11 p स्क्वायर माइनस 8p माइनस के 3p। देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस के 11p हो जाएंगे और माइनस माइनस को गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस 8 तिरका 24, जिसमें p कॉमन ले लेंगे तो p माइनस 8 माइनस के 3 कॉमन ले लेंगे तो p माइनस 8, यहाँ पर आ जाएगा p माइनस 8 और p माइनस 3। इसके बाद आपका दूसरे का अंतिम सवाल है, 48 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर गुणा करने पर 48 आ जाए, जोड़ने पर 2 आ जाए, तो 8 में 48, 8 में से 6 चले जाएंगे, 2 बचेंगे, यहाँ पर 48 प्लस 8x माइनस 6x माइनस x स्क्वायर, इन दोनों के बीच में 8 कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस x और माइनस के x कॉमन ले लेंगे तो 6 प्लस x, ये हो जाएगा 6 प्लस x और 8 माइनस x। इस प्रकार से इस सवाल का हमें गुणनखंड करना था। सवाल नंबर दूसरे के कुछ गुणनखंड हमने कल किए थे और बाकी से दूसरे के गुणनखंड आज किए हैं। अब इसके बाद सवाल नंबर आपका तीसरा शुरू होता है। इसके बाद सवाल नंबर तीसरा है, p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 65, यहाँ पर सबकी गुणनखंड करके चलना है, गुणा करने पर 65 आ जाए, जोड़ने पर 18 आ जाए, तो 13 25 65 और 13 5 18, तो यहाँ पर p स्क्वायर माइनस के 13p माइनस के 5p, माइनस के 18 हो गए और माइनस माइनस प्लस 13 25 65, तो यहाँ पर कॉमन जो आएगा वो पी कॉमन आएगा, तो पी माइनस 13 माइनस के 5 कॉमन ले लेंगे तो पी माइनस 13, तो ये हो जाएगा पी माइनस 13 और पी माइनस 5। फिर इसके बाद सवाल नंबर पांचवा है, एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 28, तो 28 एकम 28, 28 और 1 29 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 28x माइनस एक्स प्लस 28, इसमें x कॉमन ले लिया तो x माइनस 28 और माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 28, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 28 और x माइनस 1। लेकिन ये पांचवा नंबर था, ये चौथा नंबर आपने छूट गया है, c स्क्वायर प्लस 11c माइनस 42 गुणा करने पर 42 आ जाए, जोड़ने पर 11 आ जाए, तो 7 6 42, यहाँ पर कम ज्यादा हो जाएगा, 14 3 42, 14 में से 3 जाएंगे 11 बचेंगे, c स्क्वायर प्लस 14c माइनस के 3c माइनस के 42, 14 में से 3 चले गए 11 बचे और प्लस माइनस माइनस 14 3 42 हो जाएगा, इसमें c कॉमन ले लिया तो c प्लस 14 माइनस के 3 कॉमन ले लिया c प्लस 14, तो यहाँ पर आ जाएगा c प्लस 14 और c माइनस 3। इसका सवाल नंबर छठवां है, y स्क्वायर माइनस 26y प्लस 69 23 3 69 और 23 3 हो जाएंगे 26, तो y स्क्वायर माइनस 23y माइनस 3y प्लस 69, y कॉमन ले लिया तो y माइनस 23 माइनस 3 कॉमन ले लिया तो y माइनस 23, तो y माइनस 23 और y माइनस 3। इसका सवाल नंबर सातवां, t स्क्वायर माइनस 5p माइनस 176 गुणा करने पर 176 आ जाए, जोड़ने पर 5 आ जाए, तो जब बड़ी संख्या होती है तो हम गुणा डायरेक्ट नहीं समझ पाते हैं, तो इस तरीके की संख्याओं में हम गुणनखंड विधि के द्वारा गुणनखंड करके भी निकाल। इसके बाद अगला है, t स्क्वायर माइनस 5p माइनस 176, इसमें से पहले 176 की गुणनखंड कर लें, 2 से काट देंगे, ध्रुवर 16 फिर 2 से काट देंगे 44, फिर 2 से काट देंगे 22, फिर 2 से काट देंगे 11, फिर 11 से काट देंगे 1, तो गुणा करने पर हमें चाहिए 5 और जोड़ने पर चाहिए 176, तो 2 × 4 × 8 × 16, ठीक है, और 16 में से 11 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 5, और 16 और 11 का गुणा करेंगे तो 176 आ जाएगा। तरीके से जोड़े भी निकाल सकते हैं, तो p स्क्वायर माइनस के 16p
और प्लस की 11 पी माइनस की 176, जिसमें से पी कॉमन ले लिया तो पी माइनस 16, प्लस की 11 कॉमन ले लिया तो पी माइनस 16, पी हो जाएगा पी माइनस 16 और पी प्लस 11। सवाल नंबर 8 है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18, गुणा करने पे 18 आ जाए, जोड़ने पे 7, तो 9 गुणी 18, 9 में से 2 जाएंगे 7 बचेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 2x माइनस के 18, एक्स कॉमन ले लिया एक्स माइनस 9 प्लस के 2 कॉमन ले लिया एक्स माइनस 9, तो एक्स माइनस 9 और एक्स प्लस 2। इस पर नौवा एन स्क्वायर माइनस के 19 एन माइनस के 92, गुणा करने पर 92 आ जाए, जोड़ने पर 19 आ जाए, तो 23 चौको 92 और 23 में से 4 चले जाएंगे तो यहाँ पर 19 बचेंगे, तो एन स्क्वायर माइनस 23 एन माइनस प्लस के हो जाएंगे 4 एन माइनस के 92, देखो इसको गुणा करेंगे 3 चौको 12, 4 × 8 × 9 192 आ गया, 23 में से 4 घटा दिए 19 बचे, एन कॉमन लीजिए तो एन माइनस 23 और प्लस की 4 कॉमन लीजिए तो एन माइनस 23, ये हो जाएगा एन माइनस 23 और एन प्लस 4। सवाल अगला सवाल 10 के स्क्वायर माइनस 11 के माइनस 102, गुणा करने पर 102 आ जाए, जोड़ने पर 11 आ जाए, तो 17 × 85 17 × 6 = 102 17 में से 6 चले जाएंगे तो 11 बचेंगे, तो के स्क्वायर माइनस 17 के और प्लस के 6 के माइनस के 102, 17 में से 6 या माइनस के 11 बचे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 17 × 6 = 102, इसमें के कॉमन ले लिया, यहाँ पर के माइनस 17 आ गया, प्लस के 6 कॉमन ले लिया, के माइनस 17, तो के माइनस 17 और यहाँ पर के प्लस 6। फिर इसके बाद बेटा आपका 12वां सवाल है, 2x³ + 10x² - 28x, सबसे पहले इसमें कॉमन देखिए, आपको कॉमन क्या प्राप्त हो रहा है, तो x कॉमन है, तो यहाँ पर 2x कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा x² + 5x - 14, तो सबसे पहले हमने 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x² आ गया, 2 × 5 = 10, 5x बचे और 2 का भाग दिया 28 में, 14 बार x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 2x अब गुणा करने पर 14 आ जाए, जोड़ने पर 5 आ जाए, तो 7 × 14, 7 में से 2 जाएंगे तो आपके 5 बचेंगे, x² + 7x - 2x - 14, 2x इसमें कॉमन ले लिया x, तो x + 7 माइनस की 2 कॉमन ले लिया तो x + 7, तो 2x x + 7 और x - 2। सवाल नंबर आपका 13 है, जो आज की तारीख में हम अंतिम सवाल लगाने जा रहे हैं 13, यहाँ पर 12x + 15 - 3x² पहले से क्रम से भी लिख सकते हैं, 15 + 12x - 3x², इसमें हमें कॉमन जो प्राप्त हो रहा है वो 3, 3 × 15, 3 × 12 और 3 × 1 = 3, अब गुणा करने पर 5 आ जाए, जोड़ने पर 4 आ जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 5 = 5, 5 में से जाएगा 4 बचेगा, 5 + 5x - x - x², इसमें हमें 5 कॉमन ले लिया तो 1 + x माइनस का x कॉमन ले लिया तो 1 + x, तो 3 1 + x और 5 - x, इस प्रकार से हमें सवाल दूसरे से लेकर के 13 तक के बीच में लगाना है, इसके बाद चौथे